क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। कनिका दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। चलो तो बताओ जी बैलेंस शीट में आपको क्या नजर आ रहा है? कूड़ा लिखो। बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा है? कूड़ा। बस और कुछ नहीं है। फिर लिखा है नीचे कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 completed years preceding the date of retirement. The profit for the year 2013-14 were 1 lakh and 2014-15 were 1,30,000. तो इस पॉइंट पे आपको स्टार लगाना है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है एग्जाम के लिए। तो कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। तो 2 ईयर्स परचेज का मतलब तो ये तो NYP हो गया। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट कितने साल के लेने हैं? ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लेने हैं। अब नीचे उसकी चालाकी देखो, उसने 2013-14 का प्रॉफिट दे रखा है, 2014-15 का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन उसने 2015-16 का नहीं दे रखा, तो तीसरे साल का तो प्रॉफिट दे ही नहीं रखा। और वो कह रहा है 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है। तो बताओ तीसरे साल का प्रॉफिट तो उसने दे ही नहीं रखा, अब क्या होगा? तो देखो कितना होशियार हो गया दक्ष भी। अब तो कह रहा है तीसरे साल का सर 2015-16 का ये जो बैलेंस शीट हमें दे रखी है, इसमें आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में PNL दे रखा है। तो ये एसेट साइड वाला क्या होता है? लॉस होता है। तो ये इस क्वेश्चन की पहली चालाकी थी। तो जो आपको उसने बैलेंस शीट में 2016 की बैलेंस शीट में PNL डेबिट दे रखा है ना, तो वो आपका तीसरे साल बेसिकली लॉस दे रखा है। तो ये क्वेश्चन की चालाकी थी कि बच्चा तीसरे साल का प्रॉफिट जो है ना वो खुद पहचाने। समझ आ गया जी? तो आपको तीसरे साल का जो प्रॉफिट है वो बेसिकली कितना लेना है? लॉस 20,000। तो ये क्वेश्चन का मतलब पहला स्पेशल पॉइंट था। उसके बाद बी, फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स को 3 लाख रुपए तक बढ़ा लो। तो बताओ कितना फायदा हो गया? 60। स्टॉक इज वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%। कह रहे स्टॉक को भी 120% कर दो। तो स्टॉक को 120% कर दो। तो स्टॉक अगर 1 लाख का है तो 1 लाख को अगर आप 120% कर दोगे तो कितना हो जाएगा? मतलब फायदा कितना हो जाएगा? 20,000 का। क्योंकि 120% का मतलब है कि अगर आप स्टॉक को 120% करोगे तो मतलब 120/100, तो स्टॉक की वैल्यू अब क्या बन जाएगी? 1,20,000 बन जाएगी। तो आपका कितना फायदा हो गया? 20,000 का। तो हमको फायदा देखना है कि कितना फायदा हो गया। 20,000 का फायदा हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला भी सिंपल पॉइंट। और डी पॉइंट और पढ़ लो, ये आपको सिखाया था वैसे लास्ट क्लास में। द अमाउंट पेबल टू कनिका, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है, वॉज ट्रांसफर्ड के बाद पढ़ लो क्या लिखा है। वॉज ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। तो ये आपको सिखाया था ना कि भाई या तो हम उसको पे करते हैं या फिर लोन अकाउंट में लिखते हैं। तो उसमें इसमें क्वेश्चन ने हमको दे दिया कि हम उसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट का मतलब था हम उसको अभी पे नहीं कर रहे, हम उसको कह रहे हैं कि बाद में पे करेंगे, ये मतलब होता है। बस तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो तो 3 ढांचे बनाते हैं सुंदर सुंदर। एग्जाम का क्वेश्चन है 2017 कंपार्टमेंट का। ठीक है रोहित, तो ये कंपार्टमेंट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर तुम पढ़ोगे नहीं अभी तो।
तो तब भी फेल हो जाओगे, देखो ऐसे क्वेश्चन कहाँ हो पाएंगे तुमसे। तो ये बेसिकली मुश्किल क्वेश्चन कंपार्टमेंट में भी आते हैं। चलो तो तीन ढांचे बनाने हैं फटाफट फटाफट मेरे साथ, देखते हैं कौन बच्चा जल्दी बनाएगा। तो एक बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स हैं, तीन, क्या नाम है इनके, कनिका दिशा और कबीर, और कौन रिटायर हो रहा है, कनिका। तो कनिका पर गोला लगा लेना तो इससे पहचान हो जाएगी कि कनिका रिटायर हो रही है। डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी, उसके बाद और क्या बोला उसने, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं एक ढांचा, और बैलेंस शीट के नीचे क्या बनाएंगे बताओ, वर्किंग नोट, ठीक है। तो पहले आप ढांचे बना लो, फिर आपके साथ शुरू करेंगे, वर्किंग नोट से ही शुरू कर लेंगे। चलो तो वर्किंग नोट से शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप बताओ बच्चों, स्टेप वन क्या सिखाया था, पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले गेयरिंग रेशियो लिख लो, ठीक है, याद रखने हैं स्टेप। तो अब तीनों पार्टनर्स के क्या रेशियो दे रखा है, कनिका दिशा और कबीर का, 2:1:1, और कनिका रिटायर हो गई, तो कैसे सिखाया था, तो अगर कनिका दिशा और कबीर का रेशियो था 2:1:1, कनिका रिटायर हो गई तो क्या बच गया, गेनिंग रेशियो 1:1, ठीक है जी। तो याद आ गया सबको, बोलो ना, हाँ। चलो स्टेप टू, स्टेप याद रख लो, ये बता रहा हूँ मैं फिर, स्टेप टू क्या है हमेशा, नहीं वो थ्री है, स्टेप टू है गुडविल, मैडम कह रही है बैलेंस शीट आइटम। तो स्टेप वन क्या है, दो बोलो दोबारा, गेयरिंग रेशियो, फिर स्टेप टू क्या है, गुडविल की एंट्री, ठीक है, जब तक ये ना हो जाए तब तक बैलेंस शीट पे नहीं कूदना है। चलो तो गुडविल तो हमें निकालनी पड़ेगी, तो तीन साल के उसने कहा था एवरेज करने हैं, तो 1,00,000 रुपये 1,30,000 तो प्रॉफिट है, 20,000 का लॉस है, तो 1,00,000 रुपये प्लस 1,30,000 है तो प्रॉफिट है, 20,000 का लॉस माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो ये पूरी गणित सॉल्व करो, 140, ओके, तो गुडविल ऑफ द फर्म बच्चों आ गई 140, ठीक है। अब इसकी एंट्री बताओ क्या सिखा रखी थी, इसमें आपको कसम खिलवाई थी कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, याद है, कसम याद आ गई सबको, तो क्या लिखते थे, 2 रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, हाँ, तो 2 कनिका कैपिटल अकाउंट, और इसमें कितने रुपए लिखते थे वो सिखाया था तरीका आपको, क्या था इसका फॉर्मूला, गुडविल इनटू हर शेयर, हर शेयर हिज नहीं ना लाइक हर, तो गुडविल इनटू हर शेयर, तो कितना आ जाएगा, 70, ठीक है जी, याद आ गया भाई सबको। अब डेबिट किने किने करेंगे हम, जो गेन करते हैं, तो दिशा भी गेन करेगी बाय डिफॉल्ट यही माना जाएगा, कबीर भी गेन करेगा बाय डिफॉल्ट यही माना जाएगा,
और इनका गेनिंग रेशियो क्या है? इक्वल 1:1, तो इसको बांट दो आप 35 35। तो जी ये आपका स्टेप टू कंप्लीट हो गया, गुडविल की एंट्री आपने वर्किंग नोट में कर ली। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं, कहां पर कर देते हैं जी? कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, 2 कनिका 35 दिशा में डेबिट, 35 कबीर में डेबिट, और बाय दिशा 35 कनिका में क्रेडिट, बाय कबीर 35 कनिका में क्रेडिट। तो क्लियर हो गया जी स्टेप वन और स्टेप टू और वहां की पोस्टिंग। ठीक है, चलो अब स्टेप थ्री क्या होता है? बैलेंस शीट आइटम। हाँ, स्टेप थ्री में जाते हैं बैलेंस शीट आइटम में। तो बैलेंस शीट में कौन सा आइटम है? बस एक ही आइटम है, कूड़ा। तो कूड़े को क्या करना सिखाया था? राइट ऑफ। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो तीनों के बीच में राइट ऑफ कर दो, 2:1:1। तो 20,000 को राइट ऑफ कर दो, क्या आ जाएगा? 10,000 5,000 5,000। तो ये आपका कूड़ा हो गया जी राइट ऑफ, बैलेंस शीट आइटम खत्म। फिर उसके बाद स्टेप फोर, रिवैल्यूएशन। वेरी गुड। तो रिवैल्यूएशन में बस दो ही फायदे दिख रहे हैं, एक फिक्स्ड एसेट बढ़ गए और एक स्टॉक बढ़ गया। तो बस दोनों फायदे लिख लेते हैं। बाय फिक्स्ड एसेट्स 60, बाय स्टॉक 20। इनका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट बढ़कर हो गया 3 लाख और स्टॉक बढ़कर हो गया 1,20,000। बस अब बस रिवैल्यूएशन का आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा? 80,000। ठीक है, तो क्या बैलेंस बचा? ठीक है, तो मतलब जी बैलेंस बच गया 80,000 रिवैल्यूएशन गेन। तो ये किस रेशो में बांटोगे आप? ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो 40 20 20 कह रहे हैं बच्चे। ठीक है, 40 20 20। तो यहाँ तक क्लियर हो सब बच्चों को? कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं? अब ये गेन कहाँ पोस्ट कर दोगे आप? कैपिटल अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन 40 20 20। तो बस आपके चार स्टेप तो हो ही गए, लास्ट स्टेप में तो आपको क्या करना होता है? बस कैपिटल अकाउंट बनाना। चलो तो कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है? 2 लाख 1 लाख और 80, तो वो लिख लो बस, और तो कुछ है नहीं। अब टोटल कर लेते हैं। तो कनिका का टोटल बताओ, 3 10, दिशा का 120 और कबीर का 1। ठीक है, तो ये टोटल लिख लीजिए, 3 लाख 10, 1 लाख 20 और 1 लाख। कनिका में तो अभी छोड़ दो, दिशा और कबीर का क्या बचेगा? टू बैलेंस सीडी क्या बचेगा? दिशा का कितना बचेगा? 80
और कबीर का 60। ठीक है तो भाई यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? कोई भी दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक सब बच्चे ओके। अब कनिका जो रिटायर हो गई, देख लो भाई जिनको नहीं पता, जिनकी सांसें चढ़ जाती हैं, तो कनिका का जो ये बैलेंस बचेगा क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है, तो आपको इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? लोन अकाउंट में। अब हम इस बार इसको पे नहीं कर रहे, क्लियर हो गया पॉइंट? अब हम इसको पे नहीं कर रहे कनिका को, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। हम उसको कह रहे हैं कनिका कनिका हम तुम्हें ये बाद में देंगे, तो हमको लिखना है टू के लोन। कितना बैलेंस बच गया? 3 लाख। ठीक है तो सब बच्चों को क्लियर हो गया? बस अब लाइबिलिटी को नीचे लिख लो, तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं ताकि आप भी ना भूलें और याद रहे बात। तो ये लाइबिलिटी होती है हमारे लिए, इसका मतलब होता है हम कनिका को कह रहे हैं कनिका कनिका हम तुम्हारे पैसे बाद में देंगे 3 लाख रुपए, तो ये लाइबिलिटी है। बस बाकी चीज़ें एज इट इज चिपका दो, जो जो निकाली। दिशा की कैपिटल 80, कबीर की कैपिटल 60, और क्या क्या दे रखा था, ट्रेड क्रेडिटर्स, सब कुछ एज इट इज चिपकाना है, कोई चेंज नहीं करा हमने। 53, EPF 47, एसेट साइड में डेटर्स एज इट इज चिपका दो 60, बैंक बैलेंस एज इट इज चिपका दो 60। अब दोनों साइड का टोटल करो प्यारे बच्चों, फिर मुझे भी बताना। 5,40,000। ओके तो दोनों साइड का बच्चे कह रहे हैं आ रहा है सर 5,40,000। बस तो हो गया। आइए जी अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन करेंगे सर हम 37, इस पर आप एक स्टार लगा लो। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो तो ये वाला पढ़ते हैं, आ जाओ। चिंतन आयुष एंड सुधा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो बताओ बैलेंस शीट में आपको क्या नजर आया? जनरल रिजर्व, वेरी गुड। और क्या नजर आया? और क्या नजर आया? नलायक। और कुछ नहीं नजर आया, बस चॉकलेट है। फंड, एक बच्चे ने फिर वही गलती करी, कह रहा प्रोविडेंट फंड, इस पे वाइटनर लगाना है आपको। और क्या लिखना है एग्जाम में, मन में क्रेडिटर सोचना है, ध्यान रखना है प्रोविडेंट फंड कोई आइटम नहीं है हमारे लिए। प्रोविडेंट फंड पे क्या लगाना है आपको? क्रेडिटर। मन में सोचना है क्रेडिटर लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये कोई आइटम नहीं है, कहीं मटका मटका समझो, ठीक है ना? तो प्रोविडेंट फंड सिर्फ एक क्रेडिटर है, मन में सोच लो। चलो चिंतन रिटायर्ड ऑन द अबव डेट। तो चिंतन भाई रिटायर हो गए। इट वॉज एग्रीड दैट नंबर वन, डेटर्स ऑफ 5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। लो जी तो 5,000 के तो बैड डेट्स हो गए, बस कट। इसको एक अलग एडजस्टमेंट समझा करो हमेशा, बैड डेट को हमेशा क्या समझना है आपको, अलग एडजस्टमेंट। और दूसरी एडजस्टमेंट समझा करो, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी क्रिएटेड। तो मतलब इस अकेले पॉइंट में ऐसा समझ लो मन में कि दो बातें, एक तो हमारे बैड डेट्स हो गए 5,000 के, और दूसरा हमें 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। तो ये पॉइंट मैं करवाऊंगा, चाहे स्टार लगवा लो आप, ठीक है? बी, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चिंतन्स रिटायरमेंट वॉज 1,00,000। ठीक है, गुडविल है 1,00,000 की। चिंतन शेयर ऑफ द सेम विल बी एडजस्टिंग बाय डेबिटिंग द कैपिटल ऑफ आयुष एंड सुधा। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये तो हमें पहले से ही पता है। कह रहे चिंतन का शेयर निकाल के आयुष और सुधा की कैपिटल को डेबिट कर देना। तो ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए लिख रहा है,
ताकि बच्चा पढ़ के शायद घबरा जाए कि पता नहीं वो क्या कह रहा है, लेकिन हमें घबराना नहीं है क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता है ना कि गुडविल की एंट्री क्या होती है। तो सेकंड पॉइंट तो बस आप ये समझ लो यहाँ तक लिखा हुआ है, आगे देखो ही मत कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद सी, स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 36, कह रहा है स्टॉक की वैल्यू 36 हो गई, तो कितना फ़ायदा हो गया, 6000। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 9000, कह रहा है फर्नीचर की वैल्यू 9000 रुपये कम थी, तो बताओ क्या हुआ, फ़ायदा। वेरी गुड, क्योंकि अब हमें बढ़ानी पड़ेगी, इसका मतलब सिखाया था आपको पहले, इसका मतलब है कि अब हमें बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू, तो ये भी फ़ायदा हो गया। ई, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, मजदूर का हाथ कट गया 2000 रुपये देने पड़ेंगे, ये क्या हो गया, नुकसान। वेरी गुड। और चिंतन वॉज टू बी पेड 20000 बाय चेक, अब चिंतन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम 20000 रुपये क्या दे रहे हैं, चेक, ये बात याद रखना बाद में, ठीक है। चिंतन को हम 20000 रुपये क्या दे रहे हैं, चेक, एंड जो बच गया वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है रोहित भाई, 2020 कंपार्टमेंट में आया था, ठीक है ना। तो जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनके साथ फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मज़ेदार बात, इस क्वेश्चन पे स्टार क्यों बनवाया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओ, मतलब इसमें आपको कोई भी खाता बनाना ही नहीं है, कोई ढांचे नहीं है, अच्छा नो ढांचे, तो इसमें आपको ढांचे नहीं बनाने, समझ गए क्वेश्चन। तो बस इसमें आपको कह रहा है जर्नल एंट्री करके दिखाओ मुझे, तो ढांचे नहीं बनाने। सोचो कंपार्टमेंट के बच्चे को कह रहे हैं कि जर्नल एंट्री करो, चलो तो करो जी। तो आप इसमें मेन पर ऐसे हेडिंग डाल लो जर्नल, ठीक है, बाकी एग्जाम में फॉर्मेट बना देना, अभी हम नहीं बना रहे, लेकिन इसमें आपको कोई ढांचे नहीं बनाने, ठीक है। तो अपना पूरा एक पेज छोड़ दो या डेढ़ पेज छोड़ दो लगभग लगभग, मतलब अपने रजिस्टर के हिसाब से 1.5 पेज छोड़ दो, मैं भी छोड़ देता हूँ। और उसके बाद सीधा लिख लो वर्किंग नोट, बस। तो 1.5 पेज छोड़ दो, उसमें जर्नल आ जाएगा, और फिर लिख लो वर्किंग नोट। बताओ जी, पहला स्टेप बोलो, गेनिंग रेशियो। तो तीन पार्टनर्स थे, चिंतन, आयुष और सुधा, उनका रेशियो दे रखा था 5:3:2, है ना, ये दे रखा था 5:3:2। तो कौन रिटायर हो गई या हो गया, चिंतन रिटायर हो गया। तो लो जी, चिंतन रिटायर हो गया, तो क्या बच गया, गेनिंग रेशियो 3:2। तो ठीक है जी, पहला स्टेप ओके, क्लियर हो गया। चलो दूसरा स्टेप, गुडविल। गुडविल उन्होंने निकाल के वैसे दे रखी है, कितनी दे रखी है गुडविल, 1 लाख। तो अब देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अब इस बार आप गुडविल की एंट्री वर्किंग नोट में करोगे क्या, ना, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ने सारी जर्नल एंट्रीज क्या बोली है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मांगे, समझ गए डिफरेंस। तो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा चौहान साहब, समझ गए, तो रटना नहीं है, ठीक है चौहान साहब। तो इसमें जर्नल एंट्री कहाँ करनी है, सब बच्चों को ध्यान रखना है सॉल्यूशन में, क्योंकि क्वेश्चन ने देखो क्या मांगा है, पढ़ लो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इस बार सारी जर्नल एंट्री हमें सब कुछ सॉल्यूशन में करना है। चलो तो अब गुडविल की एंट्री बताओ, सबसे पहले क्या कसम खिलाई थी, क्या लिखते हैं, टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि टू चिंतन्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मूला सुनाओ, कैसे निकालते थे अमाउंट, गुडविल इनटू हिज शेयर 5/10, तो कितना आ जाएगा, 50000। और किन दोनों को डेबिट करोगे, अब आयुष को
और सुधा को, और इन दोनों का गेनिंग रेशो क्या है? 3:2, तो 3:2 में बांट दो, 30 और 20। ठीक है, तो समझ आया भाई सब बच्चों को? क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, तो आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 बैलेंस शीट आइटम। वेरी गुड। तो बैलेंस शीट में क्या चमक रहा है? जनरल रिजर्व चॉकलेट। तो इस चॉकलेट का हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो बस बांटो और जर्नल एंट्री मुझे ओरली सुनाओ, फिर यहाँ लिखेंगे नंबर 2। वेरी गुड। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू चिंतन, आयुष और सुधा, और कितना रेशियो था इनका? 5:3:2। तो 5:3:2 में आप बांटो, 10,000, 6,000 और 4,000। तो ये हो गया जी बैलेंस शीट आइटम, और कोई होते तो वो भी कर लेते। तो क्लियर हो गया, स्टेप 3 भी कंप्लीट। फिर उसके बाद स्टेप 4, स्टेप 4 क्या था? रिवैल्यूएशन। अब खैर इसमें स्टेप 4 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना नहीं है, लेकिन अब आपको ए पॉइंट की, फिर सी पॉइंट की, फिर डी पॉइंट की, फिर ई पॉइंट की, इन चारों रिवैल्यूएशन के पॉइंटों की क्या करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो ए पॉइंट की तो मैंने प्रॉमिस करा था मैं करवाऊंगा। हाँ सर, हम चेपने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलो तो पहले हम पॉइंट ए की करेंगे। ठीक है सर, तो पॉइंट ए की सर आप चेपने के लिए हमें बताओ और हम तैयार बैठे हैं। चलो तो सबसे पहले बैड डेट्स की एंट्री कौन बच्चा सुनाएगा? जब लिखवाई कॉन्सेप्ट में बताई थी कि बैड डेट्स की एंट्री यूनिवर्सल है क्या, जो 11th के बच्चे भी करते हैं। वेरी गुड। तो लिखो भैया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। वेरी गुड। तो ये आपको कॉन्सेप्ट में मैंने तो सिखाया था, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसका मतलब ये होता है कि बैड डेट हमारा नुकसान हो गया और उन्होंने हमारे डेटर की वैल्यू को कम कर दिया। मतलब ऐसी बैलेंस शीट में इसका प्रभाव दिखाने के लिए बता रहा हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो डेटर्स आप देख रहे हो 60,000, अब ये कितने के हो जाएंगे? 55 के। हाँ, इसका मतलब ये डेटर्स जो हैं अब 60,000 से घटकर कितने के हो गए? 55 के हो गए। ये मतलब है इस एंट्री का। ठीक है जी। अब दूसरी एंट्री भी सिखाई थी कि भैया ये बैड डेट्स जो होते हैं अब हम इन्हें राइट ऑफ कर देते हैं, यानी कि ऊपर डेबिट करते हैं ना बैड डेट्स को, तो अगली एंट्री में इनको हम क्रेडिट कर देते हैं। इसका मतलब होता है बैड डेट्स को राइट ऑफ करना। तो ये बैड डेट्स अब क्रेडिट हो जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे। अब कहाँ से राइट ऑफ किए जाएंगे, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको अच्छे से सब बच्चों को पता होना चाहिए। बताओ कहाँ से राइट ऑफ किया जाएगा इसको, इस बैड डेट को किस खाते से राइट ऑफ किया जाएगा? तो अब ध्यान से सुनना सब बच्चे भाई, ध्यान से सुनना जिनको नहीं पता। अगर कुछ भी ना होता तो मैं कर देता रिवैल्यूएशन में, क्योंकि मैं कहता ये नुकसान हो गया, लेकिन हमारे पास पहले से एक प्रोविजन बना कर दे रखा है, हमारे पास पहले से एक मटका है। मटका मतलब छोटा मटका समझ लो, ये बादल कर देता हूँ। हमारे पास पहले से एक प्रोविजन बना हुआ है। कितने रुपए का प्रोविजन बना हुआ है? देखो जी, 5,000 का। तो अब हम अपनी इस प्रोविजन की लाइबिलिटी को कम करेंगे, यानी कि ये बैड डेट्स कहाँ से एडजस्ट किए जाएंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीडीडी अकाउंट से एडजस्ट किए जाएंगे।
अगर ये ना होता तब रिवैल्यूएशन लेते, या मान लो ये 4000 होता लेट से, तो फिर आप 4 इससे राइट ऑफ करते और 1000 रिवैल्यूएशन से करते। लेकिन वो तो हमारा भला है, अच्छी बात है कि हमारे पास पहले से एक PDD था। तो आपको समझ आया इस एंट्री का प्रभाव? तो इस एंट्री का प्रभाव का मतलब ये है, इस एंट्री के प्रभाव का मतलब ये है कि बैड डेट्स की वजह से अब ये PDD का जो मटका है इसके 5000 रुपये अब क्या हो गए? राइट ऑफ हो गए, ख़त्म हो गए। इसका मतलब अब हमारे पास प्रोविजन में कितने रुपए हैं? 0। इस एंट्री का इफेक्ट समझना ध्यान से, इस एंट्री का इफेक्ट ये है कि अब आपके प्रोविजन में कितने रुपए हैं? 0, क्योंकि सारा प्रोविजन तो कौन खा गया? बैड डेट्स रूपी राक्षस खा गया। इसका एंट्री का ये मतलब है। तो क्लियर हो गया बैड डेट का ट्रीटमेंट, समझ गए? अब आपको सेकेंड एडजस्टमेंट आगे पढ़नी है। अब वो कह रहा है PDD बनाओ, कह रहा है 5% डेटर्स पर PDD बनाओ। तो अब हमें इसकी एंट्री करनी है कि भाई 5% डेटर्स पर PDD बनाने को कह रहा है। तो 5% डेटर्स का PDD बनाने को कह रहा है, तो इसकी एंट्री, चलो PDD बनाने की कौन बच्चा बताएगा जी? नहीं नलायक भाई, आप कोई लायबिलिटी बना रहे हो। लायबिलिटी बनाने का मतलब है कि आपको लायबिलिटी क्रेडिट करनी पड़ेगी, ठीक है? ये बेसिक रूल्स हैं, 11th में सिखाए जाते हैं जब आप नशे में घूमते थे। और ये हमारा नुकसान हो गया, क्या हो गया? ये नुकसान। तो नुकसान कहाँ डेबिट करोगे आप? रिवैल्यूएशन। तो आपको अब प्रोविजन जो बनाना है ना बेसिकली, उसकी एंट्री ये करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही भेजा, देखो ऑनलाइन की चीती ने, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब 5% निकाल लेते हैं, वो तो आप भी निकाल लोगे। कितने हैं मेरे डेटर्स? 55,000। तो 55,000 का 5% निकालो, कितना आएगा? 2750। तो आपकी प्रोविजन में ये एंट्री हो जाएगी बेसिकली, तो आपका 2750 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है? समझ आ गया? तो आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट पहले भी कॉन्सेप्ट में सिखा रखा। चलो, तो मेरा काम तो खत्म, पॉइंट एगा। अब बाकी तो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप चैंप हो। सी भी आप बताओगे, डी भी आप बताओगे, और ई भी आप बताओगे। तो सर हम तो कुछ भी नहीं बताएंगे। चलो, तो सी और डी की कौन बच्चा बताएगा? फायदे की एंट्री कौन बच्चा बताएगा? सिखाई थी आपको, फायदों की एंट्री सिखा रखी है। क्या होती है फायदे की? स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये फायदा, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये भी फायदा। टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टॉक में आपका कितना फायदा हो गया था? 6000 का, और फर्नीचर में 9000 का। तो ये दोनों फायदे की एंट्री लिख लो भाई। 6000 स्टॉक में फायदा, 9000 फर्नीचर में फायदा। तो 15000 का आपका फायदा हो गया, ऐसे लिख देता हूँ, 15000 का फायदा हो गया। क्लियर है? इसके बाद पॉइंट ई की बताओ। मजदूर को क्लेम देना पड़ेगा 2000, नुकसान हो गया, नुकसान की एंट्री बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नुकसान, वेरी गुड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है ना, नुकसान हो गया अपना 2000 रुपए का। टू नुकसान, नुकसान का नाम क्या दोगे? हाँ, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम या लायबिलिटी, कुछ भी। तो क्लियर हो गया भाई सब बच्चों को? ठीक है, यहां तक ओके। अब बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान पूर्वक एंट्री नंबर 8, बड़ी जरूरी एंट्री। आपके दो नुकसान हुए हैं जिनको मैं येलो कलर करूंगा, फिर आप बोलना हाँ। तो भाई आपके दो नुकसान हुए हैं, बोलो हाँ। एक 2750 का और एक 2000 का। भाई इसमें सब बच्चे एग्री हैं?
और आपका एक फायदा हुआ है मतलब कुल मिलाकर 15,000 का, इस पर भी बोलो हाँ। तो आपका नुकसान हुआ है टोटल 4,750 का और आपका फायदा हुआ है 15,000 का, तो आपको ये बताना है नेट गेन कितना आएगा। 10,250। ओके, वेरी गुड। तो 10,250 रीवैल्यूएशन गेन को बांटने की जर्नल एंट्री करिए जी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ तीनों पार्टनर में बांट दो, चिंतन आयुष सुधा, बाटो 5:3:2। तो कितना आ जाएगा, 5,125 और 3,075 और 2,050। तो हमने रिवैल्यूएशन गेन को तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। तो ठीक है भाई, सब बच्चों को कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ओके ठीक है। तो आपके चार स्टेप्स कंप्लीट हो गए। कितने स्टेप्स कंप्लीट हो गए? चार। अब पांचवा स्टेप क्या होता है रिवैल्यूएशन के बाद? अगला स्टेप पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस शीट बनाना। पर आपको इसमें बनाना है कैपिटल या बैलेंस शीट? नहीं बनानी, तो इसका मतलब आपका काम तो यहीं खत्म हो गया। तो बस हमें एक लास्ट एंट्री करनी पड़ती है, वो ध्यान पूर्वक मतलब उस पे सी का सिंबल बना लेते हैं, एग्जाम में ध्यान रखना है। तो एंट्री करने से पहले एक छोटी सी वर्किंग उसकी कर लेते हैं, चाहे वर्किंग नोट में कर लेना एंट्री करने से पहले। अब हमको कौन सा पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो बताओ फॉर्म से। चिंतन, वेरी गुड। ठीक है जी, चिंतन। बैलेंस शीट में चिंतन की कैपिटल में क्या बैलेंस दे रखा है, एक बार वो भी बताओ। बैलेंस शीट में चिंतन की कैपिटल में आपको कितने बैलेंस दे रखा है? 90,000 है ना। अब बस ध्यान से देखते रहना, लिखने की जल्दबाजी मत करना अभी। अब जितनी दफे आपने चिंतन को क्रेडिट करा है जर्नल एंट्री में, इसका मतलब है कि वो अमाउंट अब आप उसको और दोगे तो वो हम उसमें जोड़ेंगे। और जितनी दफे चिंतन को अगर आपने डेबिट करा है जर्नल एंट्री में, इसका मतलब ये अमाउंट उससे लोगे तो वो माइनस करेंगे। तो अब हम अपनी जर्नल एंट्री में देखते हैं कि हमने चिंतन को कहाँ कहाँ क्रेडिट या डेबिट कर रखा है। वन से शुरू करेंगे ठीक है, और मैं ब्लू कलर करता रहूंगा। तो सबसे पहली एंट्री में आपने चिंतन को क्या करा है? मुंह से बोलना भाई सबको, क्या करा है? क्रेडिट करा है 50,000 रुपये। तो ये मैं जोड़ देता हूँ, 50,000 रुपये। उसके बाद सेकेंड एंट्री में, सेकेंड एंट्री में आपने चिंतन को क्या करा है? क्रेडिट। कितने रुपए? 10,000। तो ये भी जोड़ देता हूँ। उसके बाद थर्ड एंट्री में चिंतन है नहीं, फोर्थ एंट्री में चिंतन है नहीं, फिफ्थ एंट्री में चिंतन है नहीं, सिक्स्थ एंट्री में चिंतन है नहीं, सेवन्थ एंट्री में चिंतन है नहीं, एट्थ एंट्री में आपने चिंतन को क्या करा है? कितने रुपए? 5,125। तो ये भी हम क्या करेंगे, क्योंकि क्रेडिट कर रहे हो आप, जब जब भी क्रेडिट करोगे तो क्या करोगे? प्लस करोगे। ध्यान रहेगी कहानी। तो अब आप ये देखो कि चिंतन हमसे टोटल कितने रुपए मांग रहा है, मांग रहा है, ये जोड़ लो, 140, 150, 155, 125, 1,55,125। तो चिंतन भाई हमसे कितने रुपए मांग रहे हैं? 1,55,125। तो क्लियर है भाई सबको? ठीक है। तो ये आपको बस वर्किंग में छोटा सा वर्किंग ये करना पड़ता है, ये अमाउंट निकालने के लिए कि चिंतन हमसे कितने रुपए मांग रहा है, 1,55,125। अब देखो फर्म ने क्या कहा था, लास्ट पॉइंट जिसको याद होगा वो बताएगा। फर्म ने कहा था कि चिंतन चिंतन हम तुम्हें क्या दे रहे हैं?
20,000 रुपए का तो चेक दे रहे हैं, ये लो चेक ले जाओ। और कितने रुपए बच गए बताओ, कितने रुपए बच गए? 1.55 में से 20 गया, 135, 125। तो ये हम कह रहे हैं चिंतन को कि चिंतन भाई ये हम तुम्हें ना बाद में देंगे। तो इसका मतलब ये हमने क्या कहा था, ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? लोन अकाउंट। तो आपको स्टोरी समझ आ गई सब बच्चों को भाई? ओके, तो बस इस स्टोरी को मुझे जर्नल एंट्री में पिरोना है, इस स्टोरी की जर्नल एंट्री बनानी। चलो तो लिखें जर्नल एंट्री, पहले स्टोरी सबको क्लियर हो गई। चलो तो जर्नल एंट्री लिखते हैं जी, चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम चिंतन को पे करेंगे 155, 125। कितने रुपए पे करेंगे? 2। बताओ कितने रुपए पे करें चिंतन को? 20,000। तो ये तो आपने चिंतन को चेक दे दिया, ये तो आपने चिंतन को 20,000 का चेक दे दिया। और जितने रुपए बच गए उसको आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? उसके लोन अकाउंट में, कि भाई चिंतन ये हम तुम्हें बाद में देंगे। तो बस आपकी ये एंट्री बन गई है ना। तो इसकी नरेशन चाहे लिख लो कि बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू चिंतन्स लोन अकाउंट, तो मतलब हम उसका पैसा जो बच गया वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो समझ आई स्टोरी? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था विद जर्नल एंट्रीज। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, 36। आ जाओ ये भी देखते हैं। अशोक भास्कर एंड चमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 1/3 अशोक, 1/2 भास्कर एंड 1/6 चमन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 1/3, 1/2, 1/6 का मतलब वैसे क्या बन गया, एक तरह से 3:2:1। अगर आप निकालोगे तो यही आएगा, और ना भी निकालो तब भी कोई फर्क नहीं है, तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 1/3 है तो सॉरी, अशोक का बन गया 2 और भास्कर का बन गया 3 और चमन का बन गया 1। हाँ, तो अगर आप रेशियो निकालोगे कॉमन एलसीएम लेकर तीनों का, तो वो आ जाएगा 2:3:1। अब उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में देखो भाई आपको क्या नजर आ रहा है बताओ। ठीक है, चॉकलेट, वेरी गुड, और कूड़ा, वेरी गुड, दो चीजें हैं। चलो तो चॉकलेट भी हो गई, कूड़ा भी हो गया। चमन रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, तो चमन हमें छोड़कर चला गया। ठीक है, तो चमन भाई गए। अब गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट 2,40,000। ठीक है, गुडविल कह रहा है फर्म की है 2,40,000। चमन शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ अशोक एंड भास्कर हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो इसमें आपको नया रेशियो दे रखा है ए और बी का। बाकी बी में कह रहा है प्लांट मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी में कह रहा है 10% का नुकसान हो गया और फर्नीचर में 5% का नुकसान हो गया। ठीक है, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 15% एंड बिल्डिंग बाय 10%। स्टॉक कह रहा है बढ़ गया, फ़ायदा हो गया, और बिल्डिंग भी बढ़ गई तो फ़ायदा हो गया। चलो ये सब तो आप कर लोगे। और डी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड टू 20,000। कह रहा है प्रोविजन को 20,000 रुपये तक बढ़ा दो। तो पहले देखो 5,000 था, अब आप 20,000 तक बढ़ाओगे तो कितना नुकसान हो गया बताओ? 15,000। कितना नुकसान हो गया? 15,000। पहले से कितनी थी लायबिलिटी? 5,000, और अब आपने बढ़ाकर कितनी कर दी? 20। तो
तो कितना नुकसान हो गया? 15,000। बाकी कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट। चलो तो ये तो ढांचे वाला क्वेश्चन है, तो फटाफट ढांचे बना लेते हैं। आ जाओ, तो जल्दी जल्दी ढांचे बनाने हैं, जल्दी जल्दी। तो एक बना लो रिवैल्यूएशन, डेबिट क्रेडिट, एक बना लो पार्टनर कैपिटल, ए बी सी। तीन पार्टनर ही हैं, ए बी सी। और कौन रिटायर हो गया? सी रिटायर हो गया, तो सी पे लगा लेते हैं गोला। और उसके नीचे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट। चलो ठीक है, तो बस वर्किंग नोट से शुरू करते हैं। आपसे पूछेंगे स्टेप, अब तो आप चैंप हो चुके हो। चलो तो बताओ जी, स्टेप वन, गेनिंग रेशियो ए और बी का। तो ए और बी का ओल्ड शेयर क्या था? 2:3, मतलब 2:3:1 के हिसाब से 2/6, और बी का 1/6, यही था ना? या आप चाहो तो जो ओरिजिनली दे रखे थे वही लिख लो, पता चला बच्चा बाद में अपने बाल भी नोचे और मेरे भी नोचने आ गया कि सर ये कहाँ था। तो अशोक का 1/3 दे रखा था, भास्कर का 1/2 दे रखा था, वही लिख लो आप वही लिखो, क्योंकि आप को ज़्यादा बुद्धि लगवाना भी खतरा है। माइनस न्यू रेशियो, अब नया रेशियो कितना दे रखा है? 3:2, तो 3:2 का मतलब हो गया 3/5, 2/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, 15, 5 × 5, 3 × 3 = 9, गेन 5 × 2 = 10, 5 × 5, 2 × 2 = 4। ये तो सैक्रिफाइस आ रहा है, आपका भी सैक्रिफाइस ही आ रहा है। चलो ठीक है, अब स्टेप टू बताओ, अगला स्टेप क्या? गुडविल की एंट्री। तो सबसे पहला जो कसम खिलाया था आपको, क्या थी कसम? टू क्या लिखना है? रिटायरिंग पार्टनर। उसका फॉर्मूला बोलो, गुडविल इनटू चमन का शेयर बताओ पुराना वाला, 1/6, तो 40,000। अब ए और बी में से किसको क्या करोगे वो आप बताओ। ए को डेबिट क्योंकि वो गेन कर रहा है, और बी को क्रेडिट क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे। तो क्लियर है भाई सब बच्चों को? अब इनके अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुडविल को रेस्पेक्टिव गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो ए का भी निकाल लो और बी का भी निकाल लो। बी का आ रहा है 24,000 और ए का आ रहा है 64,000। तो ये आपकी वर्किंग में गुडविल की एंट्री बन गई, ए डेबिट 2B 2C। तो क्लियर है सब बच्चों को? चलो अब इसको पोस्ट करते हैं आपसे पूछ पूछ के। तो ए में डेबिट और बी और सी को क्रेडिट करना है,
तो ए में डेबिट कर देते हैं, 2B 2C, कितना कितना डेबिट करना है, 24 और 40, 24 और 40। और B में क्रेडिट करना है 24, C में क्रेडिट करना है 40। ओके ठीक है, तो क्लियर हो गया। फिर इसके बाद स्टेप 3, जल्दी से फास्ट, बैलेंस शीट आइटम्स। तो 2,20,000 की गुडविल है, वो सॉरी 2,20,000 की चॉकलेट है, वो भी तीनों में बांट दो, और 60,000 का कूड़ा है, वो भी तीनों में बांट दो। तो 2,20,000 को पहले बांटना, जनरल रिजर्व को, बाय जनरल रिजर्व 2,20,000 2:3:1 में बांटो। ए का आ रहा है 73,333, बी का आ रहा है 1,10,000, और सी का आ रहा है 36,667। ये आ रहा है ठीक है। और अब कूड़ा बांट दो डेबिट साइड में, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 60,000 का कूड़ा था तो उसको 2:3:1 में बांट देते हैं, वो तो सीधा सीधा है 20, 30, 10। तो बैलेंस शीट आइटम दोनों वो भी कंप्लीट हो गए, डन। उसके बाद अगला स्टेप रीवैल्यूएशन। तो आइए जी, रीवैल्यूएशन में आपसे पूछ लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 10% कम हो गई तो कितना नुकसान, 40,000। फर्नीचर 5% कम हो गया तो कितना नुकसान, 5,000। स्टॉक 15% बढ़ गया, कितना फायदा, 37,500। बिल्डिंग 10% बढ़ गई, कितना फायदा, 50,000। और PDD 15,000 बढ़ गया, कितना नुकसान, 15,000। तो पांचों बातें आ गई जी फायदे नुकसान की। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स कहाँ शो करने पड़ेंगे, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में पांच आइटम्स की वैल्यू बदलनी पड़ेगी, तो पांचों की वैल्यूज बदल लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो बिल्डिंग की वैल्यू बदल लो 50,000 से बढ़ाकर 5,50,000। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू कम कर लो 40, 3,60,000। फर्नीचर की वैल्यू 5,000 बढ़ा लो, नहीं कम कर दो सॉरी, 95,000। स्टॉक की वैल्यू 37,500 बढ़ा लो, 287,500। डेटर्स तो वही रहेंगे अंदर 1,80,000, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू बढ़ा लो, वो हो गई 20,000। तो पांचों इफेक्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस शीट में चेंज कर लिए जी। तो अब रिवैल्यूएशन का फायदा या नुकसान निकालते हैं। तो करो, डेबिट या क्रेडिट में किसका टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है। ओके 87,500, तो बैलेंस बताओ क्या बचा, 27,500। ओके ठीक है, तो इसे आप बांट दो तीनों के ओल्ड रेशियो में, कितना आएगा, 9,167 कर लेते हैं, बी का 1,370,
और सी 4583। ओके तो ये बच्चों आ गए जी रिवैल्यूएशन के गेन तीनों के 9167, 13750 और 4583। तो इसकी पोस्टिंग कहाँ कर देंगे रोहित भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर दो। तो रिवैल्यूएशन 9167, 13750 और 4583। बस अब कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखो और टोटल कर लो। क्या टोटल दे रखे हैं एबीसी के? 3 लाख, 4 लाख, 2,50। तो ए का टोटल भी आप बताओ, बी का भी और सी का भी। तब तक मैं बैलेंस लिखने की तैयारी करूं। तो ए का टोटल बताओ जी 4 लाख। अच्छा कौन सा टोटल कर रहे हो भाई? ए का टोटल तो आएगा, ए में कोई और पोस्टिंग भी आएगी क्या? कितना आएगा? अच्छा ए का बैलेंस है 3, 4 और 2, 5। तो कितना आएगा ए का टोटल? 3 लाख समथिंग आ रहा है ए का। तो 382 500। ओके 382 500। बी का टोटल 547 750। ओके और सी का टोटल 293 331250 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये लिख देते हैं आप पे भरोसा करके 331250। अब आप बैलेंस निकाल सकते हो। ए का क्या बचेगा? माइनस कर दो 64 और 84 माइनस कर दो तो 298500 बच रहा है मेरा। तो बी में 30,000 माइनस कर दो, 517750 बच रहा है। लेकिन सी का जो बैलेंस बचेगा बताओ उसको क्या नाम दोगे आप? टू सीज लोन अकाउंट, क्योंकि उसने पे करा ऐसा क्वेश्चन ने बोला तो है नहीं, तो आपको लोन अकाउंट में बैलेंस लिखना पड़ेगा। कितना बच रहा है सी का बैलेंस? 321250। तो ये बच्चों हमारी लायबिलिटी हो गई सी का लोन 321250। तो सबको क्लियर है प्रोसेस? चलो तो बस अब इसको नीचे ले चलते हैं लायबिलिटी में। तो इसका मतलब है हम सी को ये पैसे बाद में देंगे। तो ये हमारी लायबिलिटी है 321250। बाकी सारी लायबिलिटियां एज इट इज चिपकाते रहो, जो जो दे रखी है हमने कोई भी चेंज नहीं करा। कैपिटल ए का 298500, कैपिटल बी का 517750। और क्या लायबिलिटी दे रखी है? क्रेडिटर्स 2,50,000, लोन पेबल 1,50,000। जनरल रिजर्व लिखना नहीं। और एसेट साइड पे बिल्डिंग लिख चुके, प्लांट लिख चुके, फर्नीचर लिख चुके, स्टॉक लिख चुके, डेटर लिख चुके। कैश इन हैंड में हमने कोई चेंज नहीं करा तो एज इट इज चिपका दो 85। कूड़ा लिखना नहीं। अब दोनों साइड का टोटल करो फटाफट। तो दोनों साइड का बच्चे बता रहे हैं 1537500। तो 1537500 तो ये आ जाएगा दोनों साइड का टोटल सही। चलो सर एक क्वेश्चन सर और करवा दो बस 35।
चलो 35 भी कर लेते हैं, आ जाओ इस पे भी स्टार लगा लो चाहे। आओ 35 पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है कहानी। NS and G वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। तो बैलेंस शीट में क्या नजर आया, चॉकलेट और कूड़ा, ठीक है। जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट, तो जी रिटायर हो गया, ठीक है। तो जी पे गोला लगा लेते हैं, जी भाई रिटायर हो गए। ए, अब क्या क्या लिखा है, इट वॉज एग्रीड। ए, डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी सिखाया था, इसको आप एक एडजस्टमेंट समझो। एंड प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन, इसको दूसरी समझ लो। तो बिल्कुल सेम पॉइंट हो गया अभी जो करा था, सेम। बी, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, तो कह रहा है पेटेंट्स बिल्कुल कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाएंगे, मतलब जीरो हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका नुकसान। स्टॉक मशीन एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो ये भी तीनों में 5% गिरावट हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा नुकसान। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट, कह रहे 30,000 के क्रेडिटर्स अब आपको रिकॉर्ड में लाने पड़ेंगे, तो ये क्या हो गया नुकसान। NS विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3, फ्यूचर रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है जी। और ई, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड 90,000, ठीक है, तो ये आपको गुडविल भी दे रखी है। पढ़ो पास, क्या लिखा है, जर्नल एंट्रीज, तो ढांचे तो नहीं बनाए किसी बच्चे ने, तो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट, तो इसमें आपको बस जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो एग्जाम का क्वेश्चन है, विदेशी बच्चों का 2017 में आया था, हाँ CBSE फॉरेन वाला जो होता है। चलो तो इसमें आप लिखो सॉल्यूशन, तो वही 1.5 पेज तो छोड़ दो, है ना, वो तो 1.5 पेज छोड़ दो, और उसके बाद वर्किंग नोट में चलते हैं, और वर्किंग नोट में आपसे पूछेंगे कि बताओ बच्चों स्टेप 1 क्या, स्टेप 1 क्या सिखाया है, गेनिंग रेशियो। तो N और S का ओल्ड शेयर लिखो कितना था, 2/10 और 3/10, एक बार देख लेता हूँ मैं भी, यही है N और S का, है ना, पुराना वाला, ठीक है, 2:3:5 था ना, तो 2/10 और 3/10, और न्यू रेशो क्या है, 2:3, तो नया शेयर माइनस कर दो 2/5 और 3/5, तो ये आप सॉल्व करके मुझे भी बताओ क्या आ रहा है, -2/10, ओके, और -3/10, ठीक है जी। तो दोनों ही गेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो तो आ गया 2:3। चलो ठीक है जी, ठीक है, अब स्टेप 2 बताओ बच्चों, बातें नहीं करनी, स्टेप बताओ, स्टेप 2 गुडविल, तो कहाँ करोगे, वर्किंग नोट में या मेन सॉल्यूशन में, यहीं पर मेन सॉल्यूशन में, ठीक है ना, इस बार क्योंकि जर्नल एंट्रीज करनी है। तो बताओ जी क्या कसम खिलाई है, सबसे पहले क्या लिखना है, हाँ तो 2G's कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर, अब उसका गुडविल दे रखा है 90,000 और जी का शेयर कितना दे रखा है, 5/10, तो कितना आ गया जी,
40 वाले, और किन दोनों को डेबिट कर देंगे? एन और एस। किस रेशो में? 2:3 गेनिंग रेशो में। तो बाटो 2:3 में कितना आएगा? 18 और 27। ठीक है जी, ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। फिर स्टेप 3, बैलेंस शीट आइटम्स। तो बैलेंस शीट में कितने आइटम्स हैं जी? 2। तो जनरल रिजर्व को भी बांट देते हैं और कूड़े को राइट ऑफ कर देते हैं। तो 90 और 75। तो पहले जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री बताओ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन एस जी 2:3:5। तो कितना आ जाएगा? 18, 27 और 45। ठीक है, तो ये तो जनरल रिजर्व बांट दिया, और कूड़े को राइट ऑफ करने की एंट्री पार्टनर्स डेबिट टू कूड़ा। तो एन डेबिट, एस डेबिट, जी डेबिट 2:3:5 कितना आएगा? 15,000, 22,500 और 37,500। ओके, तो बैलेंस शीट आइटम में चॉकलेट भी चली गई, कूड़ा भी चला गया और आपका स्टेप 3 भी हो गया। वेरी गुड। उसके बाद जी स्टेप 4, रीवैल्यूएशन। तो अब रीवैल्यूएशन के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। सर क्यों? क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन के इसमें कितने पॉइंट्स हैं। पहले तो ए पॉइंट डेटर वाला, फिर उसी में दूसरा प्रोविजन वाला भी 2, और उसके बाद बी पॉइंट पूरा, सी पॉइंट पूरा, तो मतलब काफ़ी सारे पॉइंट हैं। तो हम पहले बैड डेट से ही शुरू करते हैं, पहले पॉइंट ए से शुरू करेंगे। तो अब इस बार मेरे साथ चेप चेप के करोगे या अपने आप भी बताने की आप क्षमता रखते हो? चेप चेप के कह रहे हैं आगे के बच्चे तो। चलो तो फिर मेरे साथ चेप चेप के करो। लिखो एंट्री नंबर 4। तो बैड डेट की एंट्री, चलो जो बिना चेपे करना चाह रहा है वो बताए। वेरी गुड। तो लिखो पहली एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए के हो गए बैड डेट? 6,000। टू डेटर 6,000। अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, फिर दोबारा रिपीट नहीं करूँगा मैं बाद में ये पॉइंट। इस एंट्री का दोबारा से इफेक्ट समझ लो, आपको मीनिंग समझना है, रटना नहीं है। इस एंट्री का मतलब ये है, ध्यान से देख लेना, कि अब आपके डेटर्स देखो कितने दे रखे हैं आपको, 135 दे रखे हैं ना। तो बैड डेट 6,000 होने का मतलब ये हो गया कि अब ये डेटर 135 नहीं रहे, 6,000 कम हो गए। तो मतलब अब आप ऐसे मन में समझ लो कि ये डेटर कितने हो गए, 135। समझ आया आपको? बैड डेट का ये इफेक्ट होता है, बैड डेट हमेशा डेटर को कम करता है। अब आपको सेकेंड एंट्री भी सिखा रखी है इसी की। अब इस बैड डेट को हमें राइट ऑफ करना है। टू बैड डेट 6,000, और फिर से आपके लिए वही प्रश्न लेकर सामने हाजिर हुए हैं कि इसको आप कहां से राइट ऑफ करोगे या रिवैल्यूएशन से करोगे, बताओ। क्यों, आपको कैसे पता? ठीक है, तो देख लिए इस बार? वेरी गुड, शाबाश। तो हमारे पास पहले से एक प्रोविजन है, कितने रुपए का? 15,000 का। तो अब आपको अपने जो 6,000 के बैड डेट्स हैं वो इससे एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो पहले लिखो, फिर इसका भी इफेक्ट बताता हूँ। तो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से एडजस्ट करने पड़ेंगे, वही पुराने क्वेश्चन की तरह। और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा ध्यान से समझना, बिल्कुल सब बच्चे, इसका इफेक्ट ये है, बड़े ध्यान से समझना,
कि अब आपका जो ये प्रोविजन है ना, ये 15,000 नहीं रहा, अब आप ऐसे समझ लो कि इस मटके में, इस प्रोविजन के मटके में सिर्फ कितने रुपए बचे हैं? 9,000। हाँ, तो जब हम बैड डेट्स को प्रोविजन से राइट ऑफ करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि वो प्रोविजन को कम कर देता है। तो क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है इस मटके में, अब ऐसे समझ लो, एज्यूम कर लो कि इस मटके में अब सिर्फ 9,000 रुपए रखे हुए हैं। क्लियर हो गया पॉइंट भाई? सबको क्लियर है? अच्छा, अब सेकंड वाला एडजस्टमेंट करते हैं, नीले रंग का। कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स विल बी मेंटेन। अब आपको डेटर्स पर 5% का प्रोविजन कह रहा है होना चाहिए। तो अब आप डेटर्स की क्या वैल्यू लोगे? 129। तो एक बार 129 का पीडीडी निकालते हैं कि पीडीडी कितना होना चाहिए, यानी कि मटके में कितना पानी होना चाहिए। तो इसका 5% कितना आएगा? 6,450। तो इसका मतलब आपके प्रोविजन में कितने रुपए होने चाहिए? 6,450। और अभी इस मटके में कितना है अभी ऑलरेडी? 9,000। तो अभी इस प्रोविजन में ऑलरेडी कितना है? 9,000। और होना कितना चाहिए? 6,450। तो अब आपको प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब आपको ये प्रोविजन कम करना पड़ेगा। तो कितने रुपए कम करना पड़ेगा? 2,550। वेरी गुड। तो समझ गए, इस बार आपको प्रोविजन बढ़ाना नहीं पड़ेगा भाई। क्लियर है सब बच्चों को? इस बार आपको प्रोविजन बढ़ाना नहीं पड़ेगा, इस बार प्रोविजन आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो जब हम प्रोविजन कम करते हैं तो वो नुकसान होगा कि फायदा? फायदा। वेरी गुड। तो समझ गए, क्लियर हो गया? ठीक है चौहान साहब, गलत तो नहीं पढ़ा रहे आपको? तो अब फायदे की जनरल एंट्री सुनाओ, बताओ फायदे की जनरल एंट्री सुनाओ भाई। ये फायदा हो गया ना, देखो प्रोविजन कम कर रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं फायदा हो गया। तो इसकी एंट्री लिखो, बताओ क्या हो गया फायदे की एंट्री? पीडीडी अकाउंट डेबिट, हाँ, 2,550 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपका फायदा हो गया ये, क्योंकि आपकी प्रोविजन की लायबिलिटी कम हुई है। दिस इज फायदा लिख देता हूँ, ठीक है ना? ये फायदा हो गया। तो समझ आया आपको मेन पॉइंट बैड डेट्स का? अब चलो, अब 2 मिनट आपको आगे लगाते हैं काम पर। अब बी और सी पॉइंट में तो सब में 5 नुकसान है, बी पॉइंट में भी 4 नुकसान, सी पॉइंट में भी 4 नुकसान। तो अब एक नुकसान की एंट्री आपको बनानी है पूरे, तो पहले आप बनाओ, फिर आपसे सीधा नुकसान की एंट्री पूछूंगा 2 मिनट बाद। हाँ जी, तो नुकसान की एंट्री, 5 नुकसान है ना, तो वैसे क्या एंट्री होती है नुकसान की? वैल्यू, वो वाली एंट्री बताओ। चलो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू नुकसान। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना नुकसान हुआ टोटल? वेरी गुड, 1,65,000 का। शाबाश। किस किस में? 2 पेटेंट 90,000, वेरी गुड। 2 स्टॉक 75,000, वो 7,500। 2 बिल्डिंग 15,000, उसके बाद 2 मशीन 22,500, और 2 क्रेडिटर 30। वेरी गुड। तो बहुत बहुत मुबारक सभी चेपने वाले बच्चों को। तो क्लियर हो गया भाई ये नुकसान की? आपने बिल्कुल बढ़िया एंट्री बनाई। तो आपका 1,65,000 का नुकसान हो गया, ठीक है? क्लियर। तो अब नेट आंसर कितना आएगा आपका? 2,550 का तो फायदा है और 165 का नुकसान है, तो इसका मतलब हमारा नेट लॉस आएगा। तो वो कितना आएगा नेट लॉस?
162450, वेरी गुड। तो अब इस रिवैल्यूएशन के नुकसान को बांटने की एंट्री करते हैं। नंबर 8, एन डेबिट, एस डेबिट, जी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 162450 नुकसान को बांटो 2:3:5 में, कितना आएगा बताओ जी। तो n का आ रहा है 32,490, ओके। फिर 48,735, ओके। और 81,225। तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस जो है वो तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा। तो क्लियर हो गया? तो बस सारी एंट्री खत्म हो गई या कोई बची है? तो कौन सी एंट्री बची है? बस लास्ट, हाँ, तो वो लिख लेते हैं, 9th एंट्री। ठीक है, 9th एंट्री। तो उसका कॉन्सेप्ट दोबारा से सुन लेना भाई, जो बच्चे पहले नहीं सुन पाए या किसी भी रीजन से बातों में लीन थे वो दोबारा से सुन लेना 9th एंट्री का कॉन्सेप्ट। अब कौन पार्टनर रिटायर हुआ? जी। तो जी का आप ये बताओ कैपिटल में कितना बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में? जी का 450 दे रखा है ना। तो अब दोबारा से सुन लो कि कैसे जी का हिसाब निकालना है। दोबारा से सुन लेना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ कि ऊपर एंट्री में जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ वो अमाउंट क्या करना है बताओ? ऐड करना है। और जहाँ जहाँ डेबिट हुआ जी वो क्या करना है? माइनस करना है। और फिर जो फाइनल आंसर बचेगा वो इसका मतलब हमारा हिसाब आ जाएगा कि जी कितने रुपए मांग रहा है। तो पहले हम ये निकालते हैं कि कहाँ कहाँ क्रेडिट करा, कहाँ कहाँ डेबिट करा, पहले ये निकालते हैं। आ जाओ, तो वो एंट्री ऊपर से देखनी शुरू करते हैं। येलो कलर करता रहता हूँ मैं। पहले जी क्रेडिट करा आपने 45,000, तो जोड़ लो भैया 45 प्लस 45। उसके बाद और आप भी देखो एंट्री, मुझे भी बताते रहना। सेकंड में जी को क्या करा, दोबारा से क्रेडिट करा 45, तो दोबारा से जोड़ लो जी में 45। और बताओ, इसके बाद थर्ड एंट्री में जी को क्या करा, डेबिट करा, तो इस बार ये क्या करोगे? माइनस। ठीक है, समझ गए रोहित तुम? तो अगर तुम समझ गए तो फिर मैं मानूंगा कि बच्चा बच्चा समझा। तो ये माइनस करना है। तो क्लियर है सबको? फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में 4 में है नहीं जी, 5 में है नहीं जी, 6 में है नहीं जी, 7 में है नहीं जी, 8th में है। फिर सीधा 8th में क्या करा आपने जी को? डेबिट 81225। तो ये क्या करोगे? माइनस। तो ये भी माइनस कर दो 81225। तो बस अब ये गणित सॉल्व करो। तो 5,40,000, 5,40,000 में से ये माइनस कर दो दोनों, 4,21,275। तो जो बच्चे 2+2 जोड़ने में 5 मिनट लगाते हैं वो इतनी खतरनाक गणित इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं? तो ये कहीं किताब में तो नहीं दे रखा आपको ये फिगर? चलो, तो एंट्री बताओ इसकी। हाँ, तो आपकी जो 9th एंट्री होगी, मेन एंट्री होगी, वो मैं बादल में कर रहा हूँ, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो आपको ये 421275 अब जी को देने पड़ेंगे, मतलब आप इसको बाद में पे करोगे।
तो हम एंट्री क्या कर देंगे, टू जीज लोन अकाउंट। समझ गए खेल, तो क्लियर हो गया। चलो तो बस ये था, बाकी दो क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, फिर ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है, वो आप अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन है 38 और 39। चलो ठीक है, बस डन।